आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 22 दिनों में। हमारे यहाँ सबसे अधिक पॉजिटिव केस आए थे 24 अप्रैल को, 38,000 से अधिक केस आए थे। आज 4,800 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। जो 19 और 20 दिसंबर को हिंसा हुई, पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही बोल रहे हैं, मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उस मुख्यमंत्री की जो कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले अपने बयानों की वजह से देर समय विवादों और चर्चा में बने रहते थे। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में काबिज होते ही उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल गया। अब उत्तर प्रदेश में कठिन फैसलों की बयार आ गई है। कुछ मिनटों में दंगाइयों की शक्ल लेने वाली भीड़ भी अब संपत्ति जब्त होने के डर से घरों में दुबकी हुई है। कोरोना काल में खुद संक्रमित हो जाने के बीच भी काम को आराम ना देने की खबर ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर और संवारा है। जैसे बुराई आग की तरह फैलती है और अच्छाई चार दीवारी में दम तोड़ देती है, ऐसा ही कुछ मुख्यमंत्री के अच्छे कामों को लेकर है। लेकिन आजकल माहौल कुछ इस लिहाज का है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के बारे में जितना भला बुरा कह सकें, रोटी में घी उतना ज्यादा लगा मिलता है। जनता इसको निर्भीक, साहसी और निडर पत्रकारिता के तौर पर ले बैठती है, लेकिन असल में ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा डरपोक हैं। इन्हें रोजी रोटी का डर है, इन्हें सच दिखाने से डर लगता है। देखिए, सच ना तो पक्ष देखता है ना विपक्ष, और पत्रकार के तौर पर, जनता के प्रहरी होने के तौर पर सच का साथ देना ही पत्रकार धर्म है। अब ऐसे में जब एक मुख्यमंत्री कहीं गलत है तो आलोचना होनी ही चाहिए, और अगर सही है तो उसको भी बताना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसके लिए तो सरकार खुद सक्षम है, विज्ञापन के माध्यम से खुद ही अपनी प्रशंसा करवा लेते हैं। लेकिन क्या विज्ञापन को लोग प्रमाणित समझते हैं? मतलब क्या साबुन के विज्ञापन में बताई गई सभी बातों को आप स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर पाते हैं? ऐसा ही होता है सरकारी विज्ञापनों के साथ। इनको देखते ही पहले ही मुंह मियां मिट्टू वाले मुहावरे तक याद आ जाते हैं। ऐसे में प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए इसको खबर में जगह देना जरूरी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एनटीआर रामाराव और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती के बाद ये तीसरे भगवा चोला वाले मुख्यमंत्री हैं। तो अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में किए गए उन फैसलों की जिसने उत्तर प्रदेश को, हमारे राज्य को संवारने में मदद की। माफियाओं और बदमाशों के मन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी आखिरी वक्त तक जी तोड़ कोशिश में लगा रहा कि उसे उत्तर प्रदेश ना लाया जाए। कानपुर का वो दुर्दांत कांड जिसमें विकास दुबे नामक अपराधी ने जो किया वो सबको पता है, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी पलटी उसने कई दिमागों में उपजते अपराध के रास्तों के वो ख्याल भी पलट कर रख दिए जो उनके मन में आए थे। दंगाइयों के लिए काल बने योगी आदित्यनाथ। सीएएनआरसी के दौरान दिल्ली में जहां साजिश के तहत रास्तों को बंद किया गया, महीनों दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की गई और अंत में दिल्ली में दंगे हुए, चारों ओर आग ही आग थी। तब ऐसे में भरपूर कोशिश हुई कि लखनऊ में यूपी के जो राजधानी है उसको भी इन दंगों की जद में लिया जाए, लखनऊ से यूपी में भी दंगों को दिशा दी जाए, यूपी में भी दंगे हों। लेकिन ऐसा तकने वालों की संपत्ति जब्त कर सीएम योगी ने सबको हैरान कर दिया। ऐसे दंगाइयों के पोस्टर भी सार्वजनिक रूप से लगा दिए गए और अंत में यूपी खुशहाल रूप से बिना किसी अनहोनी के जीत सका। सीएम योगी ने
कोरोना काल में भी खुद मोर्चा संभाला। सीएम योगी कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत से ही सजग रहे। उन्होंने कोरोना काबू करने के लिए कई फैसले लिए, लेकिन जब देखा गया कि कई जिलों में वो फैसले जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, जब प्रशासन द्वारा सही ढंग से उन फैसलों को जमीन पर अमल में नहीं लाया जा रहा, तब सीएम योगी खुद ही जमीन पर उतर पड़े। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का मंत्र लेकर उत्तर प्रदेश में कोरोना को एक हद तक काबू करने में सफलता मिली है। 24 अप्रैल यानी आज से लगभग एक माह पहले जहां राज्य में 38,055 केस थे, तो वहीं आज 3,002 केस हैं। वहीं बात अगर टेस्टिंग की हो तो उसमें भी यूपी नंबर वन है। यूपी में आज की तारीख में किसी राज्य में होने वाले टेस्ट भी सबसे ज्यादा है। यूपी में कल 3.5 लाख लोगों के टेस्ट किए गए। अगर आप सर्वे की बात कर लें, एवीपी सी वोटर सबसे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स, तो एवीपी सी वोटर के कराए गए सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई कि रोजगार देने के मामले में सीएम योगी नंबर वन है। योगी आदित्यनाथ को 53% यूपी की जनता ने पसंद किया, वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव को 21% लोगों ने पसंद किया। बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की तो उनको 16% लोगों ने पसंद किया। 53% लोगों का मानना है कि अपराध काबू करने में सीएम योगी आगे रहे। 75% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार काबू करने में भी वो आगे रहे। 9% लोगों का मानना है कि अखिलेश ने काबू किया। 18% का मानना है कि मायावती ने भी काबू किया, लेकिन सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की पहचान दूसरे सन्यासियों से थोड़ा सा हटकर है। ये योगी वैरागी नहीं बल्कि अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। किसी आम इंसान की तरह ही योगी आदित्यनाथ को भी खाने पीने में अपनी पसंद और नापसंद है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड नेता की तरह है, उनकी छवि एक कठिन फैसले लेने वाले नेताओं की तरह है, लेकिन उनके करीबियों का मानना है कि उन्हें तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। योगी जी की छवि को देखते हुए शायद ही कोई यकीन करे कि योगी आदित्यनाथ कभी भावुक भी हो सकते हैं, कभी रो भी सकते हैं, लेकिन उनको रोते हुए पूरी दुनिया ने कई मर्तबा देखा है और इस बात का एहसास भी किया है कि योगी के सख्त चेहरे के पीछे एक नरम दिल भी धड़कता है। अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने मां-बाप को छोड़ा है, लेकिन आप मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ बीते साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का 20 अप्रैल को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। उस वक्त उनके पुत्र और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जैसे ही अधिकारियों को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने सीएम के जाने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पुत्र धर्म की जगह राजधर्म निभाना जरूरी समझा। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को फैसला लेते समय व्यक्तिगत नहीं बल्कि नीतिगत बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस वक्त जब वो एक खास परिस्थिति में थे, तब उन्होंने जो उदाहरण पेश किया वो बहुत बड़ा है, लेकिन उस वक्त उनके मन में क्या कुछ चल रहा था वो इस चिट्ठी से साफ हो सकता है। ये चिट्ठी सीएम योगी ने अपनी माँ को लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वह मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं ना कर सका। 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय माताजी, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊँगा। क्योंकि हम मुख्यमंत्री के परिवार की बात कर ही रहे हैं, तो समझ आता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में परिवारवाद भी एक अहम मुद्दा है। जहां समाजवादी पार्टी में परिवारवाद साफ नजर आता है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के 3 भाई और 3 बहनें हैं। इनमें 2 भाई कॉलेज में नौकरी करते हैं तो 1 भाई सेना में सूबेदार है। वहीं सबसे छोटी बहन नीलकंठ मंदिर में फूल बेचती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे छोटी बहन मंदिर में फूल बेचती हैं और झोपड़ी में रहती हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार विवादों में घिरे हैं, कभी हिंदुत्ववादी बयानों को लेकर तो कभी अपने फैसलों को लेकर, लेकिन उन्होंने किया वही जो उन्हें ठीक लगा और वो भी डंके की चोट पर।
लेकिन इस सबसे उलट जहां योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की है, लेकिन इससे उलट भी उनके मुस्लिम भी काफी भक्त हैं, मतलब उन्हें मुस्लिम भी काफी पसंद करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो गोरखपुर में मुस्लिमों ने जमकर जश्न मनाया था। आशा है कोरोना से जीत के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जश्न मनाएगा। जरूरत है तो बस योगी आदित्यनाथ जैसे कुशल नेताओं की। और कोरोना क्या, आज है कल तो कल की बात हो जाएगा, रात आती ही है सवेरा होने के लिए। कल एक बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।